हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी सीजल 2023 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो नोटिस आई है, अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है ना, क्या कैसी नोटिस है, क्या है, ये सभी चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, 15 जून से पहले अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये डिस्काउंट कोड सभी पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, तो आप लोग ये डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बच्चे SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, उस पर जाते हैं ssc.nic.in पे, ठीक है, और उस पर एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे ही आप एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पूरा जो है वो खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको बच्चे यहाँ पे चेक करना है, एक नोटिस आई है NWR रीजन पे। ठीक है, चलिए देखिए, NWR रीजन कहाँ गया भाई, NWR ये है आपका NWR रीजन। ठीक है, अब देखिए ये NWR रीजन की वेबसाइट सामने खुल के आ जाती है, और मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे, इसमें एक नोटिस ऊपर ही दे रखी है जिसमें लिखा गया है, अपलोडिंग ऑफ रिवाइज्ड एडमिट कार्ड फॉर द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 टीयर 1। देखिए, जैसे ही इसको मैंने ओपन किया, इसमें लिखा है अपलोडिंग द रिवाइज्ड एडमिट कार्ड फॉर द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 टीयर 1। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टीयर 1 का एग्जामिनेशन होने वाला था, 14 तारीख से स्टार्ट है एग्जामिनेशन, यानी कल से स्टार्ट है। तो सभी कैंडिडेट को ये नोटिस जानना बहुत जरूरी है, ऑल कैंडिडेट आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट एग्जामिनेशन एग्जाम ऑफ सीजीएल एग्जामिनेशन 2023 टीयर 1 इज बींग कंडक्टेड बाई द स्टाफ सेलेक्शन कमीशन फ्रॉम 14/7/2023 टू 27/2023। एडमिट कार्ड आर अपलोडेड टू वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ठीक है, फिर दिया हुआ है, ड्यू टू द हैवी रेनफॉल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, एग्जाम डेट ऑफ सम कैंडिडेट हैज़ बिन रिवाइज्ड। रिवाइज्ड एडमिट कार्ड आर ऑल्सो अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ SSC NWR रीजन पे ही ये जो है रिवाइज आपका अपलोड होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट SSC NWR, जिसमें आपका SSC NWR का आपका पूरा दिया हुआ है यहाँ पे वेबसाइट, और डाउनलोड द रिवाइज एडमिट कार्ड ऑफ द एग्जामिनेशन। अब आपको ये कन्फ्यूजन है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो है वो रिवाइज्ड में है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप बच्चे चले जाइए सेंट्रल रीजन में। ठीक है, सेंट्रल रीजन की वेबसाइट पर जैसे ही आप ओपन करेंगे, इस वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या है स्टेटस, आर ये तो आपका 5 जुलाई का ही है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ NWR रीजन का मतलब, NWR रीजन में यहाँ पे आप देखिए भाई, आप जाइए एडमिट कार्ड पे। ठीक है, जैसे ही आपने एडमिट कार्ड्स ओपन किया बच्चे, ये आपकी नोटिस खुल के सामने आ गई, और उसके बाद एडमिट कार्ड्स ये देखो है ना। सेंट्रल रीजन में ही है ये, शायद ओपन नहीं हुआ था क्या। हाँ, सेंट्रल रीजन पे आप गए, यहाँ पे इसको ओपन करो स्टेटस। हाँ देखो, यहाँ पे आ चुका है नीचे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो इस रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन में बच्चे आपका हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है। तो आपकी इस नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो केवल और केवल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले स्टूडेंट्स का जो है वो नहीं होगा, बाकी हरियाणा और पंजाब वाले स्टूडेंट्स का इस बार एग्जामिनेशन होगा। अब ये एग्ज़ाम जो है वो दिल्ली में भी कंडक्ट कराया जाना है, चूँकि दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, मैं कहूँगा कि भाई यहाँ पर भी बारिश हो रही है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है कई दिनों से, तो डियर स्टूडेंट हो सकता है कि यहाँ पे भी आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल किया जा सके। लेकिन कल से एग्ज़ाम शुरू है और अभी तक कोई नोटिस नहीं जारी की गई है, तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पे एग्ज़ाम
जो है वो कैंसिल होगा या नहीं होगा, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए, ठीक है। और ये नोटिस वो जो बच्चे वो केवल और केवल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो बाकी सभी जो रीजन के स्टूडेंट्स हैं वो आप लोग अपनी तैयारी किए रहिए। एग्ज़ाम में आपका जब तक नोटिस नहीं आता तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अलग अलग रोड्स जो है वो भर चुके हैं पानी से, है ना। पानी जो है वो अब शहरी एरिया में धीरे धीरे घुसता हुआ जा रहा है। आप मैंने अभी कुछ देर पहले लाल किला की तस्वीर देखी, वहाँ पे भी शायद पानी चला गया है। तो अब वो सही है गलत है वो तो ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है वही पता चलेगी। तो अब SSC इस पर क्या निर्णय लेता है ये हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए बच्चों, और बिना ये सोचे कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा उस आप अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है। बाकी सभी लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रैंकर्स बैच का फ़ायदा मिलेगा, इस बैच में जुड़ के आप सीजल 2023-24 की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बच्चे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके नोट्स हैं। ये नोट्स आपको दोनों ही फॉर्म में मिलने वाले हैं, चाहे आप PDF फॉर्म की बात करिए चाहे आप बुक के फॉर्म की बात करिए, सभी फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें, बेहतरीन तरीके से जुड़े रहें, और सारे प्यारे विद्यार्थी अपनी तैयारी जो है वो 100% कन्फर्म मान के चलें, ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम कल होगा अगर नोटिस नहीं आती है तो, ठीक है। तो अब तक तो नहीं आई तो मुझे लगता है कि कैंसिल नहीं होना चाहिए, लेकिन देखा जाता है क्या होता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। जितने भी लोगों का कल एग्ज़ामिनेशन है सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, पहले ही बधाई। क्यों? क्योंकि आप लोग अच्छा करेंगे ये उम्मीद है हमें, क्योंकि आपकी मेहनत वहाँ पे काम आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं हम लोग अगली कुछ जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।